मॉर्निंग बच्चों, आप पूर्णांकों के बारे में सीखेंगे आज। आप गणित में बहुत कुछ सीख चुके हैं और मेरे साथ गणित का पूरा मजा लेके गणित पढ़ रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से आपको शंकु, बेलन, पिरामिड ये सब मैं बता चुका हूँ। बच्चों, आप पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था आपको पूर्णांक क्या होते हैं। चलो अब आपकी बुक में से एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, विपरीत लिखना आपने, भार में वृद्धि, उल्टा क्या बनेगा, लिख देंगे भार में कमी, भार में ऐसे लिखना आपने, कुछ भी नहीं करना, उत्तर आ गया। दूसरे का उत्तर क्या आएगा, 30 किलोमीटर उत्तर, उत्तर का अपोजिट, देखो दिशाएं है ना हमारी, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो 30 किलोमीटर उत्तर का 30 किलोमीटर कब आएगा, दक्षिण आ जाएगा। 80 मीटर पूर्व, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, 80 मीटर पूर्व में गया तो 80 मीटर इसका उल्टा, पश्चिम में गया, तीसरे में क्या आएगा, 80 मीटर पश्चिम। नंबर चार करेंगे, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ऊपर है तो नीचे आएगा ना, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, आप प्रश्न नंबर एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दो देखिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर पूर्णांकों के रूप में आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर दो कर रहा हूँ। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा, ऊपर उड़ रहा है ना, तो प्लस 2000, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका बी पार्ट देखते हैं, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई में, ये गहराई में है तो -800, पूर्णांक में लिखना है आपने। खाते में 200 रुपये जमा कराना, सी पार्ट, जब 200 रुपये जमा कराएंगे तो जमा के 200, जब 700 रुपये निकाल लेंगे तो घटा के 700, इस प्रकार से आपने सवाल नंबर दो करना है। सवाल नंबर दो देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये मैं करा चुका हूँ, ये स्वयं करें। सवाल नंबर चार देखिए, संलग्न आकृति में ये ऊर्ध्वाधर संख्या दिखाई गई, आपके सामने दिखाई गई है ना, ये देखो दिखा रखें संख्या रेखा, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, देखो -8 वाला नीचे की तरफ आएगा ना, बिंदु डी 8 का है, ये +8 है, नीचे की तरफ देखेंगे तो -8 वाला देखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ वाला है, इसका क्या उत्तर आएगा, 4 का ए का एफ, 4 का बी क्या आएगा, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, जी किधर है, जी ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है ना, तो ऋणात्मक है, क्या लिखेंगे इसमें, ऋणात्मक, जी जो है ना हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। सी पार्ट देखते हैं, क्या बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक, बी ऊपर की तरफ है, कितना है, 1 2 3 4, तो बी का कितना आ गया, बी का आ गया 4, और सी ई, ई किधर, नीचे की तरफ है ना, तो ई का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ई का -10 क्योंकि नीचे की तरफ, इसी प्रकार से 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये आप करें, सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो -10 आएगा, नीचे की तरफ हम माइनस लगाएंगे, ऊपर की तरफ हम प्लस लगाएंगे, शिमला कितना आएगा, -2, अहमदाबाद +30 क्योंकि 0 से 30 ऊपर है ना, इस प्रकार से आपने करने हैं। अब कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, ठंडा स्थान कौन सा होता है बच्चों, जहां का तापमान सबसे कम है, तो सबसे कम संख्या कौन सी है आपने देख लेना है, सियाचिन, सियाचिन में तापमान -10 है, और सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म इनमें देखो इन सवाल में, ये अहमदाबाद 30 डिग्री वाला +30, इनका उत्तर इस प्रकार लिखना है आपने। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है, 10 से ऊपर वाला देख लेना है आप, संख्या रेखा पर दिखाकर आप कर सकते हैं। छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, देखो ये संख्या रेखा मैं बता चुका हूँ आपको, ये 0 1 2, ये दाईं ओर है हमारा, राइट हैंड, दाईं क्या होता है, राइट हैंड जिससे हम लिखते हैं, और ये बायां यानी कि लेफ्ट हैंड, ठीक है, इधर देखो -1 -2 -3। अब इधर खड़ा करके देखना है आपने, मेरी तरफ से मैं जैसे खड़ा हूँ, कॉपी पे भी आप ऐसे पकड़ते हैं ना, अगर आप अपनी तरफ से करने तो ऐसे लाइन बनाएंगे आप, इधर ये राइट है और ये लेफ्ट है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपने। कौन सी
संख्या संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाई ओर स्थित है। जब दो संख्याएं दिखाई गई है, ये ज्यादा चिन्ह बनाने पड़ेंगे मुझे। निम्नलिखित कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाई ओर स्थित है? अब दो और नौ में से दाई ओर कौन सी स्थित है बताओ। अब दो यहां आएगा और नौ यहां आएगा, तो नौ जो है ना वो दाई ओर स्थित है, नौ दाई ओर है। अगला सवाल देखिए आप, माइनस तीन और माइनस आठ, ये माइनस तीन यहां पे आएगा और माइनस आठ यहां पे आएगा, दाई ओर कौन है? दाई तो उधर है ना, तो ये माइनस तीन दाई ओर स्थित है। सवाल ए पार्ट बी पार्ट में क्या करेंगे, माइनस तीन माइनस आठ के दाई ओर स्थित है, दाई ओर है, और ऐसे आएगा। और आगे देखिए, जीरो माइनस एक, ये माइनस एक यहाँ है, जीरो यहाँ है, तो दाई ओर कौन सा? जीरो है ना, तो जीरो दाई ओर है। अगला देखिए, माइनस ग्यारह और दस, तो दस दाई ओर आएगा, माइनस ग्यारह तो इधर आएगा, दाई ओर वाली संख्या उधर है। माइनस छः और छः, छः दाई ओर आएगा, एक और माइनस सौ तो एक दाई ओर आएगा, यानी कि दाई ओर हमेशा बड़े निशान आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सात करते हैं, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते क्रम में, जीरो और माइनस सात के बीच बढ़ते क्रम में लिखने हैं। देखो जीरो संख्या रेखा बना लेंगे आप उसी तरीके से, संख्या रेखा के माध्यम से करना है आपने, इस बार वैसे नहीं करना, इधर माइनस एक, इधर माइनस दो, इधर माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस सात से जब हम इधर जीरो की तरफ चलेंगे तो बीच में कितने आएंगे, माइनस छः, माइनस पाँच, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, और ये बढ़ता क्रम है क्योंकि इधर बड़ी हो रही है ना, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे राइट साइड तो हमारी संख्याएँ बड़ी होती जाएंगी। माइनस चार और चार के बीच में इसी प्रकार से ये करना है आपने, माइनस चार और चार के बीच में देखो कितना आएगा, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, ये आएगा। इसी प्रकार से आप इसके अगले पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर आठ कहता है माइनस बीस से बड़े चार ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, माइनस बीस से बड़े चार ऋणात्मक पूर्णांक कौन से आएंगे बच्चों? मैंने आपकी बताया ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं ना, बड़े लिखने हैं, और जब हम बड़े लिखते हैं तो बाईं साइड जाते हैं, इस तरफ जाते हैं। माइनस बीस यहाँ है तो इधर कौन से आएंगे, माइनस उन्नीस, माइनस अठारह, माइनस सत्रह, माइनस सोलह, माइनस पंद्रह, बहुत सारे हैं, तो कोई भी चार आप बड़े पूर्णांक लिख सकते हैं, सारे चार बड़े हैं। और भी हैं, माइनस पंद्रह भी बड़ा है, माइनस चौदह भी बड़ा है, सारे बड़े हैं इससे, तो माइनस एक, माइनस दो सब बड़े हैं, परंतु अगर चार ऋणात्मक लिखने हैं ना तो कोई चार लिख दीजिए, माइनस चार लिख दिया, माइनस सत्रह लिख दिया, माइनस पंद्रह, माइनस चार, चार लिख दिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। माइनस दस से छोटे चार, छोटे अब छोटे में इधर आएगा लेफ्ट साइड, अब माइनस दस से छोटे लिखेंगे तो इधर चलेगा हमारा, यानी कि माइनस ग्यारह, माइनस बारह, माइनस तेरह, माइनस चौदह, और भी बहुत सारे छोटे हैं, सारे छोटे हैं, कोई भी चार आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा सत्य लिखिए, ये आप संख्या रेखा पर करके खुद करें, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सूचित करें। क्वेश्चन नंबर दो भी संख्या रेखा की सहायता से आपने स्वयं करना है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।